स्कूल में जून मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था। नाउरी अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ उसके पास आती है और उसे कहती है, तुम अपने मिड टर्म रिजल्ट से शॉक हो गए ना। जून कहता है, पर मैं तो फिर से फर्स्ट आया हूँ। नाउरी हैरान थी। वो दोनों की रिपोर्ट कार्ड मिलाकर देखती है। जून इस बार भी फर्स्ट आया है। नाउरी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मुझे फंसाया है, वो भी मेरे शरीर और दिमाग के साथ खेलने के बाद। मैं तुम्हारे बारे में रिपोर्ट करूंगी। जून नाउरी को जाने से रोक लेता है और पूछता है, क्या हुआ है नाउरी? नाउरी कहती है, तुमने और भी ज्यादा पढ़ाई किया है ताकि मैं तुम्हें डेट के लिए ना पूछ पाऊँ, है ना? जून कहता है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुमने कहा तुम अपना सब कुछ दाव पे लगा दोगी, इसीलिए मैंने इसे सीरियसली लिया। और अगर तुम डेट के लिए पूछोगी तो तुम्हें मनचाहा जवाब नहीं मिलेगा, और मैंने रूमी के पास वापस जाने का प्लान भी नहीं किया है। नाउरी कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं, तो अभी यहाँ पर मुझे गले लगाओ। जून हैरानी से कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो? नाउरी कहती है, छोड़ो भूल जाओ। वो यहाँ से जाने लगती है। जून उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे हग करता है। बाकी स्टूडेंट्स के साथ रूमी भी ये देखती है। वो जून को अपने साथ लेकर सीढ़ियों के पास आती है और पूछती है, ये सब क्या था? जून कहता है, नाउरी ने ऐसा करने को कहा। रूमी कहती है, तुम नाउरी को तुम्हारे साथ कुछ भी करने देते हो, मेरे बारे में क्या? मुझे भी एक दो, जल्दी करो। ये सुनकर जून उसे भी हग कर लेता है और कहता है, तुम फिर से वापस फर्स्ट टीम में आ गई हो ना? रूमी कहती है, अब तो मैं स्टार्टिंग लाइनअप पे हूँ। जून कहता है, ये बढ़िया है, छुट्टियों में मैं तुम्हें चीयर अप करने आऊँगा। रूमी कहती है, अच्छा सुनो, क्या तुम जानते हो अमामिया सियना कौन है? क्लास में अमामिया जून को ढूंढते हुए आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वो जून को सिरो जाकी बुला रही थी, तो जून कहता है, हे, ये सिरो साकी है, इसमें जड़ नहीं है। एनीवेज, तुम्हें क्या चाहिए? अमामिया कहती है, मुझे ट्यूटर करो। जून को याद आता है कि रूमी ने उसे बताया था कि ये लड़की तुमसे पढ़ना चाहती है। जून उसे कहता है, तुम्हें किसी और दिन पूछना चाहिए। अमामिया कहती है, हम तुम्हें स्कूल के बाद लेने आएंगे। फिर वो यहाँ से चली जाती है। क्लास में मोरी वकी जून को अमामिया के बारे में पूछता है। जून कहता है, वो चाहती है कि मैं उसे ट्यूटर करूँ। मोरीवाकी पूछता है, अब तुम क्या करोगे? जून कहता है, मैं इससे दूर रहूँगा। मोरीवाकी कहता है, तुम सच में अलग तरह से बने हो, ये उसे जानने का एक अपॉर्चुनिटी है। लंच के टाइम नाउरी कामेडाके से कहती है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ, एटलीस्ट नर्स ऑफिस में नैप लेना चाहती हूँ। कामेडाके कहती है, चलो कुछ हल्के चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे फिलहाल तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद है? नाउरी कहती है, रियलिस्टिकली मुझे 10,000 येन चाहिए, मैं कुछ कपड़े और कॉस्मेटिक्स खरीदना चाहूँगी। मुझे एक पर्स भी चाहिए। ऑनलाइन में इन पर्सेस के महंगे प्राइस को देखकर वो कहती है, मैं भी एक कॉलेज एज का बॉयफ्रेंड मुझे ये खरीद के देगा। कामेडा की कहती है, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, साथ में सेलिब्रेट करना चाहूँगी। नाउरी कहती है, तुम सबसे बेस्ट हो चिप, आई लव यू, चलो शादी कर लेते हैं। कामेडा के कहती है, ओ नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम हमेशा के लिए मुझ पर निर्भर करो। नाउरी नाराज हो जाती है और कहती है, दत्तुरा, आई हेट यू। रूमी जून को ढूंढते हुए क्लास में आती है। मोरीवाकी कहता है, वो बाथरूम गया है। रूमी जून के मैसेज को देखती है जिसमें उसने लिखा है कि अमामिया मेरे क्लास में आई थी मुझे ट्यूटर के लिए पूछने को। रूमी याद करती है, कॉल पे अमामिया ने उसे कहा था कि उसके मार्क्स खराब आने की वजह से उसकी मॉम उस पर गुस्सा है। वो रूमी से पूछती है, क्या तुम्हारी बहन मुझे ट्यूटर कर सकती है? वो बहुत स्मार्ट है। रूमी कहती है, ऐसा नहीं होने वाला, वो एक टीचर जैसी नहीं है, जून इसमें अच्छा है। अमामिया जून से ट्यूशन लेने को राजी हो जाती है। इसके बाद रूमी कहती है, मैंने कामे को कहा है आने के लिए, और ध्यान रखना कि नाउरी को ये बात पता ना चले। जून कहता है, अरे हाँ, वो दोनों पानी और तेल की तरह मिक्स होते हैं। जून कामेडाके को मैसेज करता है, हम तुमसे बात करना चाहते हैं, नाउरी के बिना, क्या तुम्हारे पास 6th पीरियड तक का टाइम है? जून से मिलकर कामेडाके कहती है, तो तुमने मुझे इसके लिए बुलाया,
ये कोई खास बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नाउरी सेंसेई को डिस्ट्रैक्टेड रखूंगी। मुझे लगता है तुम्हें सेना चान को ट्यूटर करना चाहिए, वो बहुत अट्रैक्टिव है। जून कहता है, मुझे मेरे स्कूल के बाद का फ्री टाइम प्यारा है। कामेडा के कहती है, सुनो तुमने उन ट्विंस की चिंता करना बंद कर दिया है, अभी तुम्हें अलग टाइप के लड़कियों से मिलना चाहिए। जून कहता है, कामेडा के तुम कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहती हो ना। कामेडा के हंसती है और कहती है, सिरोसाकी कुन सेंसेई की बर्थडे इस महीने में है, तुम हर साल उसे कुछ ना कुछ देते हो ना। जून कहता है, क्योंकि हम कब से ये करते आ रहे हैं और हमें पता नहीं कि कब रुकना है। कामेडा के कहती है, अच्छा होगा अगर तुम उन बचपन के सपनों को जिंदा रखो तो। दोनों यहाँ एक डील करते हैं कि कामेडा के नाउरी को अमामिया के बारे में जानने नहीं देगी, बदले में जून नाउरी को बर्थडे सरप्राइज देगा। स्पोर्ट्स के टाइम रूमी को उसकी दोस्त काना को पूछती है कि वो अभी कैसी है। रूमी कहती है, मैं अभी पूरा ठीक हो चुकी हूँ। काना को कहती है, मेरी गलती के वजह से तुम गिर गई थी। रूमी कहती है, मैं ही अटेंशन नहीं दे रही थी। उसे उसकी बाकी दोस्त तो उसके हाथ के दर्द के बारे में पूछते हैं। रूमी सबसे कहती है, ये स्ट्रेसफुल था पर अब सब कुछ ठीक हो चुका है। उसकी एक दोस्त कहती है, तुम ब्रेकअप के बाद भी सिरोसाकी के साथ घूम रही थी ना। उसकी दूसरी दोस्त कहती है, हमने तुम्हें सीढ़ियों के ऊपर एक साथ देखा है। और एक दोस्त कहती है, हमने तुम्हें और सिरोसाकी को किस करते हुए भी देखा है। रूमी ये सब सुनकर शर्मा जाती है। कानाको के साथ बाकी सब भी उसे बताते हैं कि वो ये सब कुछ झांक कर देख रहे थे। अभी वो सब उन डायलॉग्स को बोलते हैं जो रूमी ने जून से कहा था। रूमी शर्म से कहती है, बस बहुत हुआ, सब मुंह बंद करो और कपड़े बदलने जाओ। बाहर अमामिया रूमी की इंतजार कर रही थी। रूमी आकर अमामिया से पूछती है, जून कहाँ है। अमामिया कहती है, पता नहीं, शायद किसी गड्ढे में पड़ा हुआ होगा। जून पीछे से आकर कहता है, गलत। अमामिया चौंक जाती है और उसके हाथ से फोन फिसल जाता है। जैसे तैसे करके वो फोन को पकड़ लेती है और कहती है, मुझे ऐसे डराओ मत, मेरा दिल बस खुद के बाहर आने वाला था। जून कहता है, तो तुम बिना दिल वाली बन जाती एक समुद्री ककड़ी की तरह। एनीवेज अब हमें क्या करना है। अमामिया साथ में डिनर करने को कहती है। जून राजी नहीं था। रूमी कहती है कि उसके पापा घर में नहीं रहते हैं और उसकी मॉम बहुत कम ही घर में रहती है। ये तीनों अमामिया के घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर कामेडा के कहती है कि वो अपनी मोबाइल बैटरी भूल गई है। दोनों वापस क्लास की ओर जा रहे थे तभी मोरीवा की उनके सामने आता है। नाउरी पूछती है, जून तुम्हारे साथ नहीं है क्या। मोरीवा की कहता है, शायद लंच के टाइम जो हुआ उसकी वजह से। नाउरी पूछती है, लंच के टाइम क्या हुआ था। मोरीवा की कहता है, अरे तुम्हें पता नहीं। नाउरी कहती है, मैं बॉस और एक बार पूछूंगी लंच के टाइम में क्या हुआ था। इधर अमामिया दोनों का अपने पेट बिली से मिलाती है। मोरीवा की नाउरी को अमामिया के बारे में बता देता है। नाउरी कहती है कि वो अमामिया को अच्छे से जानती है और वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। रूमी और जून अमामिया के घर खाना खाते है और उसकी कुकिंग की तारीफ करते है। जून कहता है, करी अच्छा था पर हम यहाँ किसी अलग रीजन से आए थे ना। अमामिया कहती है, हाँ ट्यूटरिंग के बारे में जाकी सेंसे। जून कहता है, मैं अब तक राजी नहीं हूँ, मुझे पहले तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड दिखाओ फिर सोचेंगे। घर को रिटर्न करते वक्त रूमी जून से कहती है, तुम्हें इन सब में घसीटने के लिए सॉरी। जून कहता है, माफी मांगने वाली कोई बात ही नहीं है। अचानक ही नाउरी आकर इन दोनों से कहती है, तुम दोनों इतने देर तक यहाँ क्या कर रहे हो। रूमी उसे बताती है कि जून अमामिया को ट्यूटर करने वाला है। नाउरी इससे खुश नहीं थी। रूमी बताती है कि अमामिया के पास एक बिल्ली है और उस बिल्ली के फोटोज को देखने के लिए नाउरी पूरा एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद जून कहता है, मैं आज रूमी के साथ घर जाऊंगा। नाउरी जून से कहती है, मैं तो उस बिल्ली से पूरा डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी। तुम उसे ट्यूटरिंग नहीं करने वाले हो है ना। जून कहता है, नहीं मैं उसकी मदद करूंगा। ये सुनकर नाउरी गुस्सा हो जाती है।